प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक और कानून के विषय में आपको बताएंगे जो कि बिजनेस लॉ का हिस्सा है। उस लॉ का नाम है इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। असल में जो ये 1881 वाला कानून है, अंग्रेजों ने भारत में बनाया था, तथा कुछ अमेंडमेंट को अगर हम छोड़ दें तो वैसे का वैसे ये भारत में लागू होता है। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया है, हम डेफिनेशन बताएंगे कि नीगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या डेफिनेशन है। नीगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसमें दी गई जो अमाउंट है प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, या जिसके पास ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो अधिकारी हो जाता है इसमें लिखी हुई अमाउंट को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जो एग्जाम्पल हैं, तीन तरह के एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट प्रोमोजरी नोट, फर्स्ट प्रोमिजरी नोट, सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड थर्ड चेक। तो मेन जो तीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है प्रोमिसरी नोट है, इसमें वचन दिया जाता है कि मैं इतने समय बाद आपको पेमेंट दे दूंगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी ऐसे है, चेक भी है, जिसका नाम चेक पे लिखा होगा वो पैसे लेने का अधिकारी होगा क्योंकि उसने उसके लिए कोई सर्विस दी है। तो जो चेक किसी के नाम पे लिखता है उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट मेन है। उसके बाद अब हम बात करेंगे क्या क्या 1881 में बना। अब है 2013, तो ये कानून जो भारत में लग रहा है तो इसको काफी लंबा समय हो गया है। इसमें दो अमेंडमेंट्स जो अभी हुई हैं, एक है चेक ट्रंकेशन। चेक ट्रंकेशन का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल चेक है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल देना, क्योंकि आज का टाइम इंटरनेट का है तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक एक्सेप्ट करती हैं तथा उसकी पेमेंट दूसरे व्यक्ति को जिसके नाम पे लिखा है उसको देती हैं। तो यह है, वैसे ही माना जाएगा जैसे फिजिकल चेक है। दूसरी अमेंडमेंट हुई है चेक डिसहोनर के ऊपर। यदि आपके खाते में पैसा नहीं है और आप किसी के नाम पर चेक लिखते हो, उसी उसको अधिकार देते हो कि उसको यह पैसा मिल जाना चाहिए, तथा जब वह व्यक्ति बैंक अपने बैंक में जिसमें उसका खाता है को ऑर्डर देता है कि वो पेमेंट जो इसमें चेक में लिखी है वो उसे मिलनी चाहिए, उसके खाते में क्रेडिट होनी चाहिए, यदि नहीं होती तो इसको डिसओनर माना जाएगा। यदि बैंक कहता है कि जिस पार्टी ने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो सेक्शन 138 के अंडर 2 ईयर्स की आपको जेल हो सकती है। उस व्यक्ति को जेल हो सकती है जिस व्यक्ति ने चेक लिखा है किसी के नाम पर उसको पेमेंट देने के लिए। तो इसलिए कभी भी ऐसा चेक मत लिखिए यदि आपके अकाउंट में उतनी रकम नहीं है, पेमेंट नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।